जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने गुलाब और एक बैलेंस पर बेस्ट बाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये तलवार मेरे दादाजी परमेश्वर लाल जी स्वामी के द्वारा बनाई गई है। तो चलिए, हम उस तलवार हाथ से निर्मित है, पूरी तरह औजारों द्वारा हाथों से निर्मित है, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे ये डिजाइन बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। ये इसका बेस है और देख सकते हैं ये एक फूल की आकृति में बनाया गया है। ये बेस पूरी तरह फूल की आकृति में बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये डिजाइन कितनी सुंदर है। इसके नीचे एक देखिए कितनी सुंदर है, और ये एक लकड़ी के भीतर बनाया गया है। इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। आप सोच सकते हैं इसे कितनी बारीकी से बनाया गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोतियों से बनाया गया है ये सारा बेस। एक एक मोती की लड़ से इसे बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें ये कितनी सुंदरता से, ये कुल 3 फुट लंबी है और 4 इंच चौड़ी है। चलो दोस्तों, अब हम इसे बाहर निकाल कर इसे पूरी से क्या कितनी बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है। ये इसका पूरा आगे का सीन है, और ये देखिए ये यहाँ से है, यहाँ पर एक बॉक्स भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये इसका बैक साइड है। तो ये दोस्तों देखिए, ये इसका बैक साइड है, देख लीजिए यहाँ पर कितनी बारीकी से सारा काम किया गया है। और ये यहाँ पर जैसे तलवार पर जो धार होती है उसी धार को यहाँ पर दर्शाया गया है। कितनी खूबसूरती से इसे दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, हम इसके एक एक दरवाजे को खोलेंगे। देखिए यहाँ पर दरवाजे दिए गए हैं, हम इनको खोलेंगे और इसके अंदर ही महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री दी गई है। तो हम पहले इसको खोलेंगे। देखिए ये यहाँ से खुलता है, देखिए यहाँ पर हल्दी घाटी का सीन दिया गया है, हल्दी घाटी युद्ध का सीन दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मानसिंह है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है और महाराणा प्रताप उस पर मानसिंह बैठा हुआ है और महाराणा प्रताप उस पर आक्रमण कर रहे हैं। ये उन महाराणा प्रताप का भाला है और ये चेतक घोड़ा है, देख सकते हैं आप। और नीचे यहाँ पर पूरे पत्थरों को भी दर्शाया गया है, और यहाँ पर देखिए एक सिर कटा हुआ भी दिखाया गया है। यानी पूरा सीन एकदम बारीकी से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यह पूरी हल्दी घाटी का सीन है, आप एक बार फिर से इसको गौर से देखिए, यह कितनी खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो हम दूसरे डब्बे की ओर चलते हैं। सो अब हम इसे खोलते हैं। इसके अंदर दिखाया गया कि कैसे अजब देव पवार युद्ध में जाते समय महाराणा प्रताप का जो तिलक करती है, उस समय का यह सीन दर्शाया गया है। ये महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठे हुए हैं, और ये अजब देव पवार है जो हाथ में तिलक लिए हुए हैं, उनका तिलक करने के लिए तैयार बैठी है, ठीक। इसके अंदर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, वह जब वीरगति को प्राप्त होने वाला था, उस समय का सीन यहाँ पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं उसके पेट में चोट लगी हुई है, यहाँ पर खून बहता हुआ भी दिखाया गया है। इस समय चेतक वीरगति को प्राप्त हो गया था, आप देख सकते हैं ये सीन। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेड़ को भी दर्शाया गया है कितने अच्छे तरीके से। यहाँ पर पीछे पहाड़िया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक बिलाव है, जो महाराणा प्रताप थे वो बहुत ज्यादा दुख में चले गए थे, आप देख सकते हैं ये पूरा सीन। इसके अंदर कुछ सिपाहियों को दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्तंभ है, और यहाँ पर एक वृक्ष भी दिखाया गया है, और यहाँ पर ये एक सैनिक है।
अंदर महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर विराजमान है और यहाँ पर साइड के अंदर एक सैनिक खड़ा हुआ है और पीछे से चित्तौड़ का पूरा दृश्य दिखाया गया है। इसके अंदर महाराणा प्रताप को दिखाया गया और पीछे उनके घोड़े चेतक को दर्शाया गया है। इस प्रकार इस पूरी तलवार के अंदर महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री को बताया गया है। इसके अंदर हमने आपको शुरू में दिखाया गया था कि यहाँ पर हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर मोतियों से डिजाइन की गई है पूरी। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही अच्छे-अच्छे कलाकृतियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और हमारी वीडियो पर लाइक कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब भी जरूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू।